एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था, और माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट किस लिए था? टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज ईथर फ्रेम, एंड टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर फ्रेम इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेक करना था कि है या नहीं है, दूसरा अर्थ और ईथर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी। तो माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट में जो हमारा एपरेटस था, उसमें सोर्स ऑफ लाइट है जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उसके अलावा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके फोकस पे हमारा सोर्स रखा हुआ है। फोकस पे इसलिए रखते हैं जिससे जब लाइट इस पे इंसिडेंट हो तो वो पैलर बीम में कन्वर्ज हो जाए, चेंज हो जाए। तो पैलर बीम्स हमारी ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट हुई जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। तो जो बीम इस पे पड़ी वो टू पार्ट में डिवाइड हो गई, रिफ्लेक्टेड बीम एंड ट्रांसमिटेड बीम। टू मिरर्स हैं हमारे पास, मिरर M1 और M2, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हैं, साथ ही ग्लास प्लेट से इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं। एक टेलीस्कोप है जिससे ऑब्जर्वर इस पूरे एपरेटस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमने कहा जब सोर्स से लाइट इंसिडेंट होती है और ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो टाइम सेम होता है अगर ऑब्जर्वर इस एपरेटस के साथ रेस्ट में है। या ये कह लीजिए अगर ये एपरेटस ईथर में रखा होता और ईथर से ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा होता तो T1 इक्वल टू T2 टाइम आता। बट यहाँ से मेरे को शायद स्टार्ट करना था कि ये पूरा का पूरा एपरेटस अर्थ पर सेट है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो ग्लास प्लेट से मिरर के बीच की डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है दोनों डायरेक्शन में। तो मिरर M1 और M2 कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखे हैं सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से, और ये पूरा का पूरा एपरेटस अर्थ पर सेट है और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो ईथर पे है। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा एपरेटस मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो टाइम T1 है वो T2 के इक्वल नहीं आता है, उसको T1 T2 के इक्वल नहीं दिखता है। और क्यों नहीं दिखता है वहां पे हम कर रहे थे, तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो मैम लास्ट पैरा था, लेट द टू मिरर्स M1 एंड M2 आर इक्वल डिस्टेंस डी फ्रॉम द ग्लास प्लेट पी, इफ द हाँ, एपरेटर इसके इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईथर देन द टू टू रिफ्लेक्टेड इधर रे टेक इक्वल टाइम, यहाँ तक लिखवा दिया था ना टेक मैंने। इक्वल यस टाइम मैम टू एंड रिटर्न रिटर्न द हाँ ग्लास प्लेट इक्वल पी। टाइम मैम ग्लास ग्लास प्लेट हाँ पी रिटर्न दी इक्वल ग्लास हाँ प्लेट इक्वल पी टाइम तक लिख लिया था। चलिए इसके आगे लिखते हैं। तो मैं ये मान के यस चल रही हूँ वो यस मैम लिखा है, उसके आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं वाइट स्क्रीन ले रही हूँ यहाँ से, वहां पे ज्यादा ठीक रहेगा। मैम मैंने भी लिख लिया उसको। हाँ बट अब उसके आगे लिखना है एक्चुअली, बट एक्चुअली द होल एपरेटस, बट एक्चुअली द होल एपरेटस इज मूविंग अलोंग विद अर्थ। अर्थ के साथ क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि अर्थ पर फिक्स्ड है ये पूरा, विद वेलोसिटी वी, विद वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन से इनिशियल फ्रेम आ रही है उसी डायरेक्शन के अलोंग जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, इनिशियल बीम द ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्स बाय बोथ रेज आर नॉट सेम। तो दोनों रे जो हमारी है, रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे, उन दोनों का जो पाथ होगा वो अलग अलग होगा और टाइम भी अलग अलग होगा। पहले अगर हम बात करें ऑब्जर्वर अगर उसी एपरेटस के साथ है तो उसको दोनों रेज का जो टाइम है वो सेम दिखाई दे रहा है, T1 इक्वल टू T2। बट जब हमारा पूरा एपरेटस अर्थ पर प्लेस है और अर्थ हमारी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो पूरा का पूरा एपरेटस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ईथर, तो उसको T1 और T2 इक्वल नहीं दिख रहे हैं। उसके लिए दोनों जो हमारा टाइम है वो अलग-अलग है। देयरफोर
टोटल टाइम या टोटल पाथ पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली फिगर बनानी है, ठीक है? तो पहले वो फिगर बना लेते हैं, अगर इतना लिख लिया है तो पहले वो फिगर बनाइए, उसके बाद फिर ये लिखेंगे। तो हम कह रहे हैं कि T1 और T2 इक्वल नहीं है क्योंकि उनका जो ऑप्टिकल पाथ है वो इक्वल नहीं है। और वो इक्वल क्यों नहीं है तो एक एक करके वो समझते हैं। तो पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखेंगे, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम टी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये लिख लिया है तो मैं फिर वो डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर उसको ड्रॉ कर लीजिए। इतने मैम कैलकुलेशन आप क्या बोली मैम? वो बोल रही हूँ ये है कैलकुलेशन ऑफ टाइम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनानी है पूरी, कि जो ऑब्जर्वर अगर इसी अपरेटस के साथ होता तो उसको पाथ क्या दिखता, पी से ए और ए से पी, है ना? अगर अपरेटस के साथ ही ऑब्जर्वर होता तो उसको ये पाथ दिखाई देता स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। बट जो ऑब्जर्वर है वो ईथर पर है और ये पूरा का पूरा अपरेटस अर्थ पर है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पी भी मूव कर रहा है और M1 भी मूव कर रहा है, ये दोनों मूव कर रहे हैं साथ साथ, है ना? यहाँ पे मैं दो पॉइंटर नहीं रख सकती हूँ तो इसलिए ऐसे समझिए, ये भी इधर मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है और रे ऐसे ही जा रही है P से A की डायरेक्शन में। तो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है रेस्ट में है उसको ये ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंगुलर पार्ट ट्रेवल कर रहा है, कर तो ये स्ट्रेट ही रहा है, अगर उसी फ्रेम से देखते तो ये ऐसे ही ट्रेवल करता। लेकिन हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, हम रेस्ट में हैं, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट में है और ये एपरेटस वी वेलोसिटी से, अर्थ की वेलोसिटी से, क्योंकि अर्थ पर रखा है तो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये दोनों चीजें आगे मूव कर रही हैं, तो ये कंटिन्यूअसली आगे चले जा रहा है। तो लाइट जा तो पी से मिरर की साइड ही रही है लेकिन उसको क्या दिख रहा है कि ये बैंड हो रही है और ट्रेंगुलर पाथ ट्रेवल कर रही है, फिर मिरर से टकरा के वापस ट्रेंगुलर पाथ में ही वापस आ रही है। तो उसको फिगर को ध्यान से देखो, मतलब इसको मैं ज्यादा लो वेलोसिटी नहीं कर सकती थी इसको एनिमेशन डालते हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा ग्लास प्लेट ये जो ग्रीन वाला है ये मूव हो रहा है तो ये लाइन भी मूव हो रही है, दोनों साथ साथ आगे चल रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रोक दिया वरना फिगर समझ नहीं पाते। ये जब इधर आएगा ग्लास प्लेट उस केस में मिरर यहाँ पर होगा, फिर जब ये ग्लास प्लेट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो मिरर उस टाइम यहाँ पर होगा, पर मैं सारा नहीं मैंने ड्रॉ किया है ना? तो ये ऐसे शिफ्ट होता गया, ये आगे बढ़ता गया। अब यहाँ पर जब ये ग्लास प्लेट यहाँ पर है तो उस केस में मिरर यहाँ पर है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ईथर उसको ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रायंगुलर पार्ट ट्रेवल कर रही है। रे कर तो स्ट्रेट ही रही है, स्ट्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रही है, अगर ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में होता। और ये हमने कैसे समझा, जैसे बॉल है, अगर ट्रेन में ऑब्जर्वर है, अगर ट्रेन में ऑब्जर्वर है उस बॉल को थ्रो कर रहा है तो उसको वो स्ट्रेट लाइन ही दिखाई दे रहा है, ऊपर जा रही है और वापस बॉल नीचे आ रही है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और ट्रेन में हम बॉल थ्रो करते हैं तो उसको वो पैराबोला पाथ दिखाई देता है, तो अगर ये बॉल होता तो पैराबोला दिखाई देता। अब क्योंकि बॉल तो है नहीं, ये लाइट है, लाइट की वेलोसिटी बहुत लार्ज होती है, सी इंटू होती है हमारी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसको ये पैराबोला ना दिखाई देके ट्रायंगुलर पाथ दिखाई दे रहा है, और ये ट्रायंगल भी बहुत लार्ज एंगल का नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए इतना लार्ज एंगल का बनाया है, लाइट की वेलोसिटी बहुत लार्ज होती है तो जाएगा और वापस आएगा, ठीक है? तो बहुत इतनी शिफ्टिंग भी नहीं होगी, ये शिफ्टिंग किसकी हो रही है, वी वेलोसिटी की वजह से, जो अर्थ की वेलोसिटी है। एपरेटस मूव नहीं कर रहा है, एपरेटस अर्थ पर रखा है, अर्थ मूव कर रही है तो एपरेटस भी मूव करेगा स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये शिफ्टिंग इतनी नहीं हो रही है, उतनी देर में ये वापस टकरा के वापस आ जा रहा है, ठीक है? और वैल्यूज की अगर बात करें तो जितनी देर में ये मिरर M1 डैश पोजीशन पे पहुंच रहा है, देर में ग्लास प्लेट यहां पर आ रही है, वी वेलोसिटी से, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा VT, ये डिस्टेंस भी VT होगी, दोनों साथ साथ ही तो मूव कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि ग्लास प्लेट आगे निकल जाए और मिरर M1 पीछे रह जाए, दोनों एक साथ फिक्स हैं तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे। फिर उतनी देर में लाइट पी पॉइंट से मिरर M1 डैश पे पहुंच जा रही है, लाइट की वेलोसिटी होती है सी, तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सी टी। यहां से ग्लास प्लेट की डिस्टेंस डी है, ये तो कांस्टेंट ही है, शुरू में लेके चले कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये डी है। अब रे मिरर M1 डैश पोजीशन पे या ए डैश पोजीशन पे टकराई, टकरा के वापस ग्लास प्लेट पर आई, तो सी वेलोसिटी से चल रहा है, टी टाइम में सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतनी देर में ये यहां से यहां शिफ्ट होगा दैट इज वी टी, और ये मिरर यहाँ शिफ्ट हो चुका होगा इसके रिस्पेक्ट में, ये ए डैश डबल डैश दिखा देती हूँ पोजीशन होगी, यहाँ आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी अगर मैं बात करूं तो ये भी वी टी होगा, तो ये दोनों साथ साथ मूव हो रहे हैं। फिलहाल फिगर जिससे समझ में आ जाए, इतना कॉम्प्लिकेशन ना हो, इतने सारे अगर मैं प्लेट्स और मिरर बना दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाई थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, एम पी पोजिशन बनाएंगे, M1 पोजिशन बनाएंगे, M- पोजिशन बताएंगे और P- पोजिशन बताएंगे, इसी से बताएंगे। तो ये फिगर बना लेनी है, फिर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। मैम ये VT कैसे आया? ये हमारा एपरेटस किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V वेलोसिटी से, है ना, तो T टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एपरेटस स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अर्थ पर नहीं मूव कर रहा है ये, अर्थ पर तो फिक्स्ड है ये, अर्थ के साथ मूव कर रहा है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर यानी ईथर के रिस्पेक्ट पे, वीटी डिस्टेंस। अब इसको ऐसे समझो कि तुम रेलवे स्टेशन पे, तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ने आए, तुम्हारे पापा तो हो गए ईथर फ्रेम के अंदर, अब ट्रेन में तुम बैठे हो, ठीक है, ट्रेन ने मूव होना स्टार्ट किया तो तुम कितना शिफ्ट हुए, क्योंकि तुम तो ट्रेन में बैठे हो, अब ट्रेन शिफ्ट हो रही है तो तुम भी तो अपने पापा के रिस्पेक्ट में शिफ्ट हो रहे हो, तो कितने शिफ्ट हुए उसके रिस्पेक्ट में, वी वेलोसिटी से, अगर ट्रेन वी वेलोसिटी से चल रही है टी टाइम में, तो वी टी डिस्टेंस शिफ्ट हुए किसके रिस्पेक्ट में, तुम्हारे पापा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रेन में ही बात करूं, ट्रेन में तुम बैठे हो, ट्रेन में तुम शिफ्ट नहीं हो रहे हो, ट्रेन में उसी पोजिशन पे बैठे हो, तो ये ऑपरेटर तो उसी पोजीशन पे है अर्थ के अंदर, लेकिन जो ऑब्जर्वर ईथर पर है उसको ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो कितना शिफ्ट हुआ, वी वेलोसिटी से वी टी डिस्टेंस। ओके मैम, ओके मैम। ये डायग्राम हो गया तो फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। हो गया मैम डायग्राम, हो गया है तो फिर लिखते हैं टोटल पाथ। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। टोटल पाथ ट्रेवल बाय रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट हुई रे उसकी बात कर रहे हैं, कितना हो रहा है, पी से ए डैश पे जा रही है और ए डैश से वापस पी डैश पे आ रही है, और दोनों सेम है तो पी ए डैश। इफ टी is the time, if t is the time taken by beam to reach from ma'am you to p ए डैश, क्योंकि देखिए पी ए डैश की वैल्यू कितनी है सी टी, और ए डैश पी डैश की वैल्यू भी है सी टी, दोनों बराबर है तो टू पी ए डैश लिख सकते हैं,
मतलब जितना जाने में टाइम लगा उतना ही वापस आने में टाइम लगा, टी दोनों का सेम है ना, ठीक है? इफ टी इज द टाइम, हाँ जो तुम्हारा मन करे, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चाहे पी डैश ए डैश लिख लो। If T is the time taken by beam to reach from P to A dash and T1 is the total time taken by reflected beam to travel total path, then मुझे ये बताइए T1 और T में क्या रिलेशन होगा? T1 है टोटल टाइम कि रे को जाकर वापस आने में जितना टाइम लगा, वन को T1 इक्वल टू टू T, ठीक है? अरे टू T होगा ना, जाने में T लगा वापस आने में T लगा, तो T1 इक्वल टू टू T, टू T। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल हम T कैलकुलेट कर लेंगे और T की वैल्यू पुट कर देंगे तो T1 आ जाएगा। ट्रायंगल P O A डैश, ये जो पॉइंट है ये हमारा A डैश है, तो इसमें हमने क्या किया, पाइथागोरस लगाया इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल P O A डैश, पाइथागोरस लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, P A डैश स्क्वायर इक्वल टू P O स्क्वायर प्लस प्लस A डैश प्लस A डैश O स्क्वायर, ठीक है? इनकी वैल्यूज रख दीजिए। पी ए डैश कितना है, यहां से इसको क्लीन करें, सीटी सीटी, ठीक है? पी ओ डैश कितना है, वीटी वीटी, और ओ ए डैश कितना है, डी। तो वैल्यूज पुट करिए, ये कैलकुलेट करिए, तो C T square equal to V T square plus D square, ठीक है? इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और हमें क्या चाहिए, T1 मैंने लिख रखा है, देखो मुझे क्या चाहिए, तो C square T square minus V square T स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, क्या किया, V स्क्वायर T स्क्वायर भी लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, और यहां से T कॉमन ले लिया T स्क्वायर, तो T स्क्वायर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, और T इक्वल टू T स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रखती हूँ अपॉन C स्क्वायर कॉमन ले लिया, वन माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, C स्क्वायर यहाँ से एलसीएम ले लिया, पहले इसको इसके नीचे ले गए, D स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर हो गया, फिर C स्क्वायर उसमें से कॉमन ले लिया, तो D स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर वन माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो T हो जाएगा हमारा D अपॉन C वन माइनस V अपॉन C स्क्वायर टू पावर माइनस वन बाय टू। जब मैं इसका अंडर रूट लूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट यानी कि वन बाय टू, और वन बाय टू ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाय टू, तो टी हमारा आ गया डी अपॉन सी वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन बाय टू। फिर क्या करेंगे, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल सीरीज हम ओपन कर लेंगे, अब बायनोमियल सीरीज मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा रही हूँ, बाकी फिर आप खुद लिखोगे, है ना, कि क्या होती है बायनोमियल होती है वन प्लस एक्स टू पावर अगर एन है तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स प्लस एन
एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और आगे इसी सेम यही चलेगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल. अब अगर मैं इसमें बाइनोमियल लूं तो एन की जगह कितना हो गया माइनस वाई टू, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और एन की जगह जब वन बाई टू रखूंगी तो ये प्लस बन जाएगा और टू नीचे आ जाएगा. और हायर टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, ये जो x है ये x हमारा क्या है v square upon c square, तो next term बन जाएगी v की power 4 upon c 4, और v और c में तो वैसे ही 4 का अंतर था, 4 power का, 10 to power 4 का अंतर था, और जब हम उसकी फोर्थ पावर चले जाएंगे तो वो टर्म और कम हो जाएगी, तो हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के बाद हमारा जो t है, t कितना आएगा, d upon c 1. D upon C one plus one by two B square upon C square, है ना, तो T one हो जाएगा टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर, T का ट्वाइस कर देंगे, देन T1 equal to 2D upon C, 1 plus V square upon C square. देखिए सबका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम T2 कैलकुलेट करेंगे. एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कहा, कि जो ऑब्जर्वर ईथर पे है उसके लिए जो T है वो डिफरेंट है जो ऑब्जर्वर अर्थ पर है उसके लिए, उसके कंपैरिजन में. और उन्होंने क्या कहा कि जो उसका स्टेट पाथ है उनको स्टेट ना दिख के ट्रायंगुलर पाथ दिख रहा था जो ऑब्जर्वर ईथर पर है, और v वेलोसिटी से हमारी अर्थ मूव कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो शिफ्टिंग हो रही है हमारे एपरेटस की वो v वेलोसिटी से हो रही है, तो t टाइम में शिफ्टिंग होगी vt, जब मिरर m1 डैश पोजीशन पे होगा उतनी देर में जो रे है वो ct डिस्टेंस ट्रेवल करके मिरर m1 पर आ जाएगी, फिर m1 डैश या a डैश पोजीशन से वापस रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके ct डिस्टेंस ट्रेवल करके p डैश पोजीशन पे आएगी, ct वेलोसिटी से मूव करता है, t टाइम में ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी ही देर में vt डिस्टेंस से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो हमने इस ट्रायंगुलर जो पाथ था उसमें ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और t टाइम कैलकुलेट कर लिया. जो हमारा t1 होता है वो टोटल टाइम होता है रे का मिरर M1 पे जाना और मिरर M1 से वापस ग्लास प्लेट पे आना, तो T1 जो है 2T हो जाएगा और T1 हमारा आएगा 2D upon C 1 plus V square upon 2C square. अब सिमिलरली हम टाइम, अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बीम चल रही है उस डायरेक्शन में पाथ कैलकुलेट करेंगे. अब इस डायरेक्ट इसको समझते हैं, तो क्या कहा, हमारा एपरेटस किससे कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हमारी रे जो है वो सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे है, रे भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उस केस में उनको वेलोसिटी सी माइनस वी दिखी. फिर रे टकरा के वापस आ रही थी मिरर से और अर्थ हमारी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी वी वेलोसिटी से, तो उस केस में उनको इसकी वेलोसिटी सी प्लस वी दिखाई दी. ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें मूव कर रही हैं लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुई है, तो वो तो बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है डी, लेकिन एक बार जो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है वो है सी माइनस वी और एक बार है सी प्लस वी, तो टोटल टाइम जो T2 होगा वो क्या होगा, जाने में टाइम जो लगा और वापस आने में जो टाइम लगा, तो जाने में जो टाइम लगा रे का वो हो जाएगा D अपॉन C माइनस V और वापस आने में जो टाइम लगा वो होगा D अपॉन C प्लस V. तो यहाँ पे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ट्रांसमिट रे, हाँ बताइए, ये C माइनस V मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा तो C माइनस V कैसे हुआ? हाँ इसको ऐसे समझो, अगर दो कार हैं सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, एक वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कर रही है और एक 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कर रही है, तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हम क्या कहते हैं कि वो
80 किलोमीटर पर आ रहे हैं, क्यों यूज किया हमने? गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन यही कहते हैं ना, तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, x डैश नहीं, u डैश इक्वल टू u माइनस, हाँ u डैश u माइनस v, ठीक है। तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज किया यहाँ पे कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो c माइनस v वेलोसिटी आ रहा है, और जब अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और रे यहाँ से टकराकर वापस आ रही है तो उसके इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो c प्लस v हो रही है। तो यहाँ गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज किया है, तो वही चीज लिख रहे हैं, द ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड रे, मैम ये डायग्राम बना, हाँ ये बनाएंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे द कैलकुलेशन ऑफ टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायग्राम बनाएंगे, पहले ये लैंग्वेज लिखेंगे, पहले हेडिंग डाल लेंगे, फिर ये लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। द ट्रांसमिटेड रे हैज वेलोसिटी, द ट्रांसमिटेड रे हैज वेलोसिटी c minus v relative to apparatus, relative to apparatus from p से b direction में जा रहा है, and c plus v कब लगेगा? जब वापस आएगा फ्रॉम बी डैश टू पी डैश, सी माइनस बी लग रहा है जब दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी पी से बी डायरेक्शन में मूव हो रहा है और ये ऐसे शिफ्ट होता जा रहा है, जब बी डैश पोजिशन पे पहुंच के वापस रिफ्लेक्ट हो रहा था और पी डैश पे वापस रिसीव हुआ, तो उस केस में इसको वेलोसिटी सी प्लस वी दिखाई दी। अभी डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। इतने में अटेंडेंस लेती हूँ, आप डायग्राम बनाइए। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन द ट्रांसमिट रे हैज वेलोसिटी सी माइनस वी एंड सी प्लस वी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें टी टू टाइम कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर टोटल टाइम taken by total time taken by transmitted beam, total time taken by transmitted beam to travel total path, to travel total path, that is कहां से b p to b and b to b dash to p dash, therefore total time taken by ray, मैम एक्सक्यूज मी, हाँ बताइए मैम, मेरा नाम अनाउंस हुआ होगा मगर मुझे सुनाई नहीं दिया, अब बाद में बात करेंगे, अब तो पढ़ लीजिए पहले। दैट इज देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय ट्रांसमिटेड बीम टू ट्रेवल टोटल पाथ दैट इज पी टू बी एंड बी डैश टू पी डैश। टी टू कैलकुलेट करना है, तो टी टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस तो दोनों डायरेक्शन में दोनों टाइम सेम ही है, एक बार लेकिन वेलोसिटी c माइनस वी है, दूसरे टाइम जो वेलोसिटी है वो c प्लस वी है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, t2 इक्वल टू d c माइनस वी इंटू सी प्लस वी, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर होगा c प्लस वी प्लस d c माइनस वी। तो यहां देखोगे v वाली टर्म दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो t2 हो जाएगा 2d c अपॉन अपॉन में मैं c स्क्वायर अगर बाहर कॉमन ले लेती हूं तो ये बचेगा c स्क्वायर 1 माइनस
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये सी इस सी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे टी टू हो जाएगा टू डी अपॉन सी, और ये वाली जो टर्म है इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे वन पावर है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस वन, सेम जैसे हमने पहले वाले टी वन टाइम में बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया था, सेम यहाँ पर भी हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। जो बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये n है, n की जगह माइनस वन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और हायर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो टी टू टाइम यही आ जाएगा यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, टी टू इक्वल टू टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो टी टू टाइम आ जाएगा। तब हम टाइम दोनों टाइम आ गए हमारे पास, रे वन कितना टाइम ले रही है, रे टू कितना टाइम ले रही है, दोनों टाइम आ गए। अब हम दोनों के बीच में क्या करेंगे, टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आ जाएगी उससे। चलिए करें, अगर ये नोट कर लिया तो नेक्स्ट स्लाइड कर लेती हूँ मैं फिर। ओके मैम। हो गया ना, तो चलिए अब हम टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कि टी वन हमारा कितना है, टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर, टी टू है हमारा टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो हमें टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना है। टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू रखी हुई है, आप सॉल्व करके दिखाएंगे। टी टू है हमारा टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो आप यहीं से नोट डाउन करेंगे कि टाइम डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, टी टू है टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस टी वन, टी वन है हमारा टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर। अगर ये टर्म ध्यान से देखो तो 2d अपॉन c वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2d अपॉन c v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये वाली टर्म दोनों में बचेगी, और इसमें ये 1 बाय 2 है, यहाँ पे 1 बाय 2 नहीं है, तो 1 बाय 2 एक एक्स्ट्रा ये आ जाएगा, तो डेल्टा t 2d अपॉन c, और मैं माइनस करूंगी तो ये आएगा v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, है ना, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यू। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये टाइम डिफरेंस आ गया, टाइम डिफरेंस आ गया, तो मतलब दोनों रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस है, तो दोनों रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम डिफरेंस, वेलोसिटी लाइट की होती है सी, और टाइम डिफरेंस हम कैलकुलेट करके आए हैं डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, तो सी क्यूब से ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पार्ट डिफरेंस आ गया। पार्ट डिफरेंस आ जाएगा तो हम कंडीशन इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, एंड पार्ट डिफरेंस को इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू रख लेंगे। यहां तक नोट डाउन करो फिर आगे लिखते हैं। मैम पार्ट डिफरेंस का ये फॉर्मूला कैसे आ गया, अभी करके तो दिखाया पार्ट डिफरेंस कैसे होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी लाइट की कितनी होती है सी, और टाइम डिफरेंस डेल्टा टी हमने निकाल ही लिया, तो डेल्टा टी, तो इसकी वैल्यू रख दी, तो पार्ट डिफरेंस आ गया डे वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सी एक्स डेल्टा, भाई एक्स नहीं है ये मल्टीप्लाई का साइन बन रहा है, सी क्रॉस चाहे तो इसे नहीं लगाओ, है ना, अगर एक्स लग रहा है तो इसको हटा देते हैं, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना वैसे, हाँ हाँ वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। मैं इसको हम भाई डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाथ में चेंज कैसे देखेंगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो वेलोसिटी लाइट की सी होती है और दोनों रेस के बीच का जो टाइम डिफरेंस है तो वो डेल्टा टी है, तो पाथ डिफरेंस आ गया। अगर हम टाइम लेते तो पाथ आता, अब टाइम डिफरेंस ले रहे हैं तो मतलब पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू हमने रख दी जो हमने कैलकुलेट की थी डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, और सी क्यूब जो है सी से कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर ये नोट डाउन कर लिया तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम कंडीशन किसकी लगाएंगे, पार्ट डिफरेंस। अभी ये नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसको समझाने के लिए मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाऊंगी, वो उसके बाद जाऊंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। पार्ट डिफरेंस तक तो हम कर ही सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस में हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाई कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाता है तो इसलिए डायरेक्ट हम एन लैम्डा लिख लेते हैं। तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, पाथ हमारा आया था, पाथ डिफरेंस आया था डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एन लैम्डा, और फिलहाल फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं इसलिए मैंने इसको एन वन से रिप्लेस कर दिया। तो डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एन वन लैम्डा, तो यहाँ से एन वन हमारा ये आ गया है ना, ये लैम्डा इधर चला जाएगा नीचे सी के साथ, तो डी वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमने पूरा का पूरा एपरेटस 90 डिग्री रोटेट किया। अभी रोटेट करके पीछे वाले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अभी पहले इसको लिख लेते हैं कि अगर हमने एपरेटस को 90 डिग्री रोटेट किया तो जो पार्ट डिफरेंस हमारा डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ रहा था वो माइनस डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा। तो सेम पार्ट डिफरेंस वाली कंडीशन यूज करेंगे कि पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, तो उस केस में एन टू जो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, माइनस डी वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। तो फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेट करने एन क्या है, एन नंबर ऑफ फ्रिंज, हाँ एन नंबर ऑफ फ्रिंज, एन इंटीजर होता है और हमें ये बताएगा कि कौन सी नंबर की ऑर्डर की फ्रिंज दिख रही है। ठीक है, फिलहाल n और n1 इसलिए ले रही हूँ जिससे हम डिफरेंस निकालने में आसान हो, अदरवाइज बुक में तो n से ही दिखाया, इसको भी n लिया इसको भी n लिया है, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने इसको यहाँ n1 n2 ले लिया। ठीक है, n1 इंटीजर है जो नंबर ऑफ फ्रिंज बताता है, फ्रिंज बताता है नंबर ऑफ फ्रिंज, कौन सा ऑर्डर मिल रहा है फ्रिंज का इंटरफेरेंस में। ठीक है, तो n1 इक्वल टू डी वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर, जब 90 डिग्री रोटेट किया तो पार्ट डिफरेंस माइनस डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो n2 सेम यही कंडीशन लगाई कि पार्ट डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो n1 की जगह n2 ले लिया, n2 इक्वल टू माइनस डी वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। तो इन दोनों में कितना चेंज हुआ, पहले फ्रिंज सपोज मुझे यहाँ थर्ड फ्रिंज मिल रही थी, यहां मुझे फोर्थ फ्रिंज मिली, तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालोगे कि पहली फ्रिंज ये थी माइनस दूसरी फ्रिंज, तो दोनों में कितना शिफ्ट हुआ। तो हमने कैसे निकाला, फ्रिंज शिफ्ट इक्वल टू या एन इक्वल टू एन वन माइनस एन टू। एन वन की पोजीशन है हमारी डी वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर माइनस एन टू है हमारा माइनस डी वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2d v स्क्वायर अपॉन लैम्डा c स्क्वायर। फिर इन माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट, इन माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट, अभी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इसको, इन माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट जो की वैल्यू है अभी वही निकाल के बता रही थी। ठीक है, जो d उन्होंने लिया वो 11 मीटर लिया इन माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट, जो वेलोसिटी ऑफ अर्थ ली वो 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड लिया, सी हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो हमारा लैम्डा था वो 5.5 × 10⁻⁷ मीटर है। जब हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये कैलकुलेट होके 0.4 रहेगा, यानी कि पहले जो पोजिशन थी फ्रिंज की और जो रोटेट करने के बाद पोजीशन हुई, तो शिफ्ट उन दोनों में 0.4 का फ्रिंज शिफ्ट हुआ।
अगर ये नोट कर लिया तो पीछे वाली फिगर एक बार देख लेते हैं, फिर इसको आगे कल हम इसको आगे समझेंगे। यहाँ तक हमें पता है कि फ्रिंज शिफ्ट कितनी मिलनी चाहिए थी, 0.4 शिफ्ट मिलना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये हो गया। एक बार लैम्डा की वैल्यू डिक्टेट कर देंगे। 5.5 × 10⁻⁷ 5.5 × 10⁻⁷ मीटर, इसको ऐसे भी बोल सकते हो 5,500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सोडियम लैंप यूज किया था मैम। वो नेगेटिव कैसे आया, 20 डिग्री जब रोटेट किए तो? हाँ वही तो समझाना है, तभी तो मैं बोल रही हूँ अगर ये नोट डाउन कर लिया तो मैं पीछे वाली फिगर पे आ जाऊँ। मैम कर लिया, कर लिया तो चलिए अब पीछे वाला ये फिगर देख लेते हैं। तो इसमें मैं दो चीजें लिखूंगी, एक मैं रेड से लिखूंगी एक ब्लू से लिखूंगी। पहले सोर्स इधर था, जब हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो सोर्स इधर पहुंच गया। पहले मिरर M1 यहां पर था, जब हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो मिरर यहां पहुंच गया। इस जगह हमारा मिरर M2 था, इसको जब हमने रोटेट किया तो मिरर M2 यहां पहुंच गया। ठीक है, पहले मैं जो रेड पेन से लिख रही हूँ पहली की कंडीशन लिख रही हूँ। ठीक है, फिर मैं ब्लू पेन से अब की वैल्यूज लिखूंगी। तो जब मिरर M1 हमारा यहाँ पर था तो उस केस में जो T1 आ रहा था वो हमारा आ रहा था 2D/C1+V² / 2C². ठीक है, और जब M2 इस पोजीशन पे था उस केस में T2 हमारा आ रहा था 2D/C1+V² / C². ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो वैल्यूज थी। अब हम बात करते हैं दूसरी टर्म्स की, तो इसको हम ग्रीन से ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मिरर हमारा M1 यहां से इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिलहाल ये टेलीस्कोप भी रोटेट कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में टेलीस्कोप रोटेट नहीं हुआ है क्योंकि ऑब्जर्वर जहां पर है वो ऑब्जर्वर वहीं पर है, सिर्फ एपरेटस रोटेट किया गया है जो अर्थ पर है, तो ऑब्जर्वर उसी डायरेक्शन में है, लेकिन फिर रे डायग्राम समझने में दिक्कत होती तो इसलिए इसको ऐसे ही रोटेट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अर्थ का। पहले इस डायरेक्शन में T2 पोजीशन, मिरर M2 की पोजीशन थी, है ना। अब इस डायरेक्शन में मिरर M1 की पोजीशन है, तो जो टाइम पहले T2 आ रहा था वो अब हमारा मिरर M1 वाला टाइम आएगा। तो यानी कि जो हमारा T1 आ रहा है वो अब हमारा ये वैल्यू होगा 2D/1+V² / C². जब मिरर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्या करोगे, एक बार वेलोसिटी C-V लोगे, एक बार C+V लोगे और D/ करके इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू T1 आएगी 2D/C1+V² / C². अब इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं, फिर और लेंथी हो जाएगा, वैसे इतना लेंथी है ये, है ना, वरना इसको रोटेट करके फिर दोबारा सॉल्व करें। अब बात करते हैं M2 पोजीशन की। पहले M1 में हम क्या कर रहे थे, ऐसे एक ट्रायंगल बना रहे थे, वही ट्रायंगल अब हमारा M2 डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम और ये सब यूज करते, तो T2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी जो T1 आ रही थी पहले, तो 2D/C1+V² / 2C² जो पहले T2 आ रहा था वो वैल्यू अब T1 की है, जो पहले T1 आ रहा था वो वैल्यू हमारी T2 की है। तो अगर मैं पहले जो T2-T1 वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो जब क्योंकि वैल्यूज इंटरचेंज हो गई, तो अब इस केस में T2-T1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। करके देख लो, ये T2 है हमारा 2D/C1+V² / 2C² T1 है हमारा 2D/C1+V² / C² T2 में से T1 माइनस करिए तो देखिए माइनस में आ रही होगी वैल्यू, इसलिए हमने इसको माइनस लिया है कि जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो पार्ट डिफरेंस माइनस में हो जाता है। माइनस में क्यों हो जाता है, क्योंकि टाइम डिफरेंस माइनस में हो जाता है।